बिहार महिलाओं पर नीतीश कुमार हुए मेहरबान, ईबीसी एससी एसटी कोटी को दिया नया तोहफा। पुलिस बहाली में ओबीसी और एससी एसटी कोटी की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई सीमा को किया जाएगा कम। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है यह घोषणा। बिहार में 4% बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी, 3 करोड़ मजदूरों को मिलेगा लाभ। श्रम संसाधन विभाग में न्यूनतम मजदूरी तय करने की कवायद जोरों पर, नई दर आगामी 1 अप्रैल से होगा लागू। विभाग इसे लेकर जल्द करेगा बैठक, इस बैठक में नियोजक के प्रतिनिधि व श्रमिक संघों के प्रतिनिधि होंगे उपस्थित। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट घोषित करने के लिए सभी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभागार पटना पहुंचे, रिजल्ट और टॉपर्स के नाम हुए घोषित। तीनों संकाय के परिणाम बोर्ड ने किया जारी, तीनों संकाय में लड़कियां हुई टॉपर। आर्ट, साइंस और कॉमर्स संकाय मिलाकर कुल 13,04,586 स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा, जिसमें 10,91,941 स्टूडेंट हुए पास, कुल 82.74% छात्र हुए सफल। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में इस बार 13,18,000 स्टूडेंट हुए थे शामिल, इसमें 6,81,975 छात्राएं एवं 6,36,000 छात्र थे शामिल। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2023 की 69,44,770 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन रिकॉर्ड समय 50 दिनों में किया पूरा, 123 केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं का किया गया था मूल्यांकन। समस्तीपुर में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की हुई मौत, परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मी पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के अनुमंडल अस्पताल का मामला, 6 महीने के अंदर इस तरह की यह दूसरी घटना, दोनों घटनाओं में जच्चा बच्चा दोनों की अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई थी मौत। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में लंच ब्रेक के बाद कार्रवाई शुरू होते ही हुआ हंगामा, बीजेपी विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष के विधायक लगातार सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ घेरा, बीजेपी ने सदन में 12 साल के तुषार के अपहरण के बाद हत्या का मामला उठाया, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। हम लोग भेजा गए और वहां पर जो तुषार की हत्या हुई महोदय, वो तुषार की हत्या में महोदय जिस एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, ये पुलिस की लापरवाही या पूरे गैंग है, इसलिए इसकी सीबीआई से महोदय जांच हो और महोदय सदन को सूचना करना और आसन इसको संज्ञान में लेकर सरकार को निर्देशित करे महोदय, ये बहुत जरूरी है, बहुत विभत्स घटना है, जलाया गया है महोदय, और इस घटना को संज्ञान में ले